आज के लिए रूमी का एक सुंदर सा वर्स लेते हैं। रूमी लिखते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इज फियर। इफ वी एक्सेप्ट दैट अनसर्टेनिटी, इट बिकम्स एडवेंचर। लिखते हैं कि जो अनिश्चितता का अस्वीकार है वही भय है। अगर हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वो जीवन की एक रोमांचक यात्रा बन जाती है, भय नहीं रह जाता। सारी की सारी देखिए जो चीज है वो इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की ही है। पूरे जीवन का दारोमदार इस पर टिका हुआ है। अक्सर इस पर मैंने बात करी है और मैंने कहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अवेकनिंग है, वो अपने साथ लाती है विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा। हर क्षण अज्ञात है, अनिश्चित है। अगले पल क्या होगा नहीं पता, कोई नहीं जानता। लेकिन मनुष्य की जो पीड़ा है वो इस अनिश्चित को निश्चित बनाने की कोशिश करता है, लगातार उसमें वो संघर्षरत रहता है। और अनिश्चित को स्वीकार न कर पाने के कारण ही वो भयभीत होता है, भयग्रस्त होता है। आज के देखिए हम वर्तमान समय के जिस वातावरण में रह रहे हैं, एक महामारी का दौर है, चारों तरफ जीवन एक अनिश्चितता से भरा हुआ है। क्या होगा कल, ठीक ठीक कोई नहीं जानता। तो आज के दौर में हम देखें कि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी है, पूरे अस्तित्व ने उसको सीखने के लिए बाध्य कर दिया है। अर्थात इसको फिलोसॉफिकली सीखने की जरूरत नहीं थी, आज तो वो वास्तविकता है पूरे विश्व में, एक आध जगह नहीं। जैसे एक आध जगह हो तो हम उसको अलग ढंग से एनालाइज कर लेते हैं, हर वर्ग में हर जगह वो जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो व्याप्त है। अब अगर कोई इस अनिश्चितता से रजिस्ट करता है, इस अनिश्चितता के साथ वो संघर्ष करता है, तो वो मुश्किल में पड़ता है, भयभीत होता है। क्योंकि जब आप अनिश्चितता के साथ संघर्ष करते हैं तो आप कयास लगाते हैं, कल को ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हमको नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं, हम स्पेकुलेट करते हैं, हम इधर उधर की गणित बिठालते हैं और वो हमको परेशान करती है, भयभीत करती है। ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है, अस्वीकार है निश्चितता का, मनुष्य की सारी पीड़ा का आधार यही है। अब जरा इसको दूसरे सिरे से देखें। आप बस इस क्षण में जिए, अगला क्षण क्या लाएगा उसको उसके हाल पे छोड़ दें। जो होगा देखा जाएगा, अगले क्षण में जो होगा उस ढंग से आप अपना व्यवहार करेंगे, आगे चलेंगे। अभी इस क्षण में आप पूरी तरह जीना सीखते हैं और अगला क्षण अपना ख्याल अपने आप करता है तो कोई भय नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस क्षण में बैठकर आने वाले क्षणों के बारे में अनुमान लगाएंगे तो निश्चित ही भय आएगा। अब जैसे मान लीजिए आज के वक्त के उदाहरण को देखें, बीमारी है, मृत्यु का संकट है, कौन शिकार होगा, कौन नहीं होगा, किसके साथ कैसे होगा, सब अनिश्चित है, सब अनिश्चितता में, अनसर्टेनिटी में बह रहा है। आपसे जो बन पड़ सकता आप करते हैं, आपसे जो संभव है आप उपाय करते हैं, उसके आगे सब कुछ स्वीकार कर लेने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। और जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तब क्या होता है, तो जैसा रूमी कहते हैं कि जीवन फिर फियर नहीं, एक एडवेंचर बन जाता है, एक रोमांचक यात्रा बन जाती है जीवन की यात्रा।
कभी इस तरह से 24 घंटे भी जीकर देखें विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी को साथ लेकर चल के, तो हमको दिखाई देगा कि सचमुच में जीवन कितना रोमांचक है, कितना एडवेंचरस है। अगला पल जो लाए उसके साथ बहें, अगले पल को पूरी तरह स्वीकार करें और उसका अनुमान ना लगाएं। आप देखिए, जो करना है वो आप करेंगे, जो आप नहीं कर पाएंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन आप ये अनुमान लगाने की जो व्यवस्था है उसको बंद कर देंगे। ये सबसे आवश्यक चीज है। और अगर 24 घंटे भी आप इस अनिश्चितता के साथ जी लेते हैं तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, जैसे आप एक एडवेंचरस जर्नी में हैं, कोई भय नहीं। अगला क्षण बीमारी लाता है तो ठीक, अगला क्षण स्वास्थ्य लाता है तो ठीक, अगला क्षण मृत्यु लाता है तो ठीक, कोई आपके हाथ में तो है नहीं, आप कर भी क्या सकते हैं, जो होगा सो होगा। ये विजडम कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ये प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीकेशन है, उसको व्यवहारिक रूप से आप इस्तेमाल करते हैं, और आंतरिक रूप से ये टोटल एक्सेप्टेंस की दशा है, जिसको रूमी कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेंस, समग्र स्वीकार, जीवन के बहाव के साथ बहते चले जाना। और जो कोई ये सीख लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। जो भय होता है वो केवल एक सर्टेन बायोलॉजिकल फियर होता है, एक जैविक भय, जो इस शरीर मन के जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जितना भी मानसिक भय है, साइकोलॉजिकल फियर है, वो सब ड्रॉप हो जाता है, वो सब गिर जाता है। तो ये बहुत सुंदर सी स्थिति है। और आज का वक्त तो बड़ा पोटेंशियल है, संभावना से भरा है कि आप इसको सीख सकते हैं। जरा सा आप खुलें, ग्रहणशील हों, तो इस अनिश्चितता की प्रज्ञा को, इस एक्सेप्टेंस को जो समग्र होने की तरफ बढ़ती है, आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ये वक्त उसके लिए बहुत ही संभावनाओं से भरा है, तो उसका सदुपयोग करें और एक बार अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख लेंगे तो सारे भय जीवन से निश्चित विदा हों।